क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि मेरी शक्ल ही खराब है, मैं दिखने में गंदा हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं दिखने में सांवला हूँ, काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, मार्क्स हैं, कुछ भी हो सकता है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ लेकर अपने आप को डिमोटिवेटेड करते रहते हैं। और रीज़न ये होता है कि हम रात में सोते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम अपने ऊपर रो रहे होते हैं, भगवान को कोस रहे होते हैं, अपने माँ बाप को कोस रहे होते हैं कि उनकी वजह से ही मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं लोगों से। हम बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वो हमसे अच्छे दिखते हैं। हम अपने आप को ही डिमोटिवेट किए जा रहे हैं, हम अपने आप को ही बताए जा रहे हैं कि ये एक कमी है। गलती सारी तौर पर हमारी भी नहीं है भाई, फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है कि एक कूल हैंडसम डूड, एक हैंडसम हंक आएगा और लड़की को इम्प्रेस करके चला जाएगा। या ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है उसी के पीछे लोग पागल हो रहे होते हैं, उसी के लिए लोग दीवाने हो रहे होते हैं। तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे आप दिखने में अच्छे हो जाएंगे और लोग आपको इम्प्रेस, बिल्कुल आप लोगों को इम्प्रेस करते जाएंगे, लोग आपके जादू में खोते चले जाएंगे, आपके दीवाने होते चले जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है कि अगर आप दिखने में अच्छे हैं तो ही बाकी की चीज़ें होंगी। टैलेंट आपके अंदर है या नहीं है, आपके अंदर बाकी चीज़ें हैं या नहीं है, वो तो मायने ही नहीं रखती। हम ये नहीं समझ रहे होते कि उनको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, उनको अपने डिओड्रेंस बेचने होते हैं जिसका दो स्प्रे मार के लड़कियां पागल हो रही होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत आपसे है कि आप खुद को क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जो कि आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। आपका अंडर कॉन्फिडेंट होना आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, वो भी उस एज में जिस एज में आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ लेनी होती हैं, सबसे ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना होता है, अपनी लाइफ को खुल के जीना होता है। मैं एज गैप की बात कर रहा हूँ 13 से लेकर 28-30 तक, क्योंकि 30 के बाद तो शादी हो जाती है और उसके बाद तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और 14-13 के पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि मेरे पास ये कुछ है भी, आप इन्जॉय कर रहे होते हो। मुझे याद है जब मैं 9th या 8th क्लास में था तब तो बहुत छोटा ही रहते थे, अब तो बच्चे 7th-8th के बहुत बड़े हो गए हैं, तो तब मेरे फेस से बहुत पिंपल्स आने शुरू हो गए थे। सब मेरे को कह रहे थे ट्रीटमेंट करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, पर मैं सोचता था क्या फ़र्क पड़ता है, चले जाएंगे हैं, चले जाएंगे। तब लोग मेरे को बोलते थे अभी तेरे को समझ नहीं आ रहा, आगे समझ में आएगा, ये वो। तो जैसे जैसे मैं 10th, 11th, 12th में आया तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो कोई कमी है, ये तो कोई मेरे साथ नुकसान हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि जैसे जैसे आप समझदार हो गए वैसे वैसे आप अपने अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढना शुरू कर दोगे। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है। अरे भाई, जो सांवला है, जो काला है, वो तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले ही रहा है, लेकिन भैया जो गोरी गोरी लड़कियां होती हैं, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं, वो और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले रही होती हैं क्योंकि वो अपने त्वचा को और निखारना चाहती हैं, अपने त्वचा का सौंदर्य और बरकरार रखना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं। आपने देखा होगा कि जो दिखने में थोड़ा इधर उधर एवरेज लुक्स का है वो तो तब भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे इतना बिलीव नहीं करता, लेकिन जो दिखने में जितना अच्छा होता है वो उतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहा होता है, उतना मेकअप लगा रहा होता है। खैर, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करें कुछ भी ना करें, लेकिन मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। हम दूसरों का कंपेयर करते हैं कि भाई देखो मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, अगर मैं भी उसके जैसा दिख रहा होता तो आज मेरी भी कितनी गर्लफ्रेंड्स होती, या मैं भी उसकी तरह दिख रही होती तो आज मैं भी अपने त्वचा का जलवा दिखा रही होती, अपना सौंदर्य दिखा रही होती और लोग मेरे दीवाने हो रहे होते। भाई देखो, रियलिस्टिक में बात करें तो इसका बहुत फर्क पड़ जाता है, मगर शॉर्ट टाइम पीरियड में। बहुत बार देखा गया है कि अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हैं तो शायद आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को इम्प्रेस ना कर पाए। ये फैक्ट है कि अगर एक लड़का दिखने में अच्छा है तो लड़की उससे बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करती है और बिलीव करने लग जाती है, और अगर एक लड़का जो कि दिखने में अच्छा नहीं है, एवरेज लुक्स का है, उसको लड़कियां भाव नहीं देती। ये फैक्ट है। एक लड़की जो कि ब्यूटीफुल है उसके पीछे तमाम लड़के दीवाने हो
रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की जो कि ब्यूटीफुल नहीं है उसके पीछे लड़के पड़ते ही नहीं है। लड़कियां आपस में कंपेयर कर रही होती हैं, मेरे पीछे वो लड़का पड़ा, उसने मेरे को प्रपोज किया, उसने ये किया, उसने वो किया। जो अच्छी नहीं दिख रही होती वो सोच रही होती है कि यार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, जरूर इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ी छोटी हूँ, मैं ना थोड़ी गोरी नहीं हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए है उसलिए। फिर वो फेयर लवली, फेयर एंड लवली और फलाना ढिकाना कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लीचिंग व्लीचिंग क्या क्या होता है भाई। आजकल तो हेयर में भी कुछ ना कुछ वो हो गया, हाईलाइट वाईलाइट करवाने लग गया, यानी कि मुझे नहीं लगता कि पूरे बॉडी में कोई ऐसा बॉडी पार्ट हमने छोड़ा है, पेच लगा दिए, कोई ढीला करते हैं, कभी किसी को टाइट करते हैं, कभी किसी को छेड़ते हैं, कभी किसी को छेड़ते हैं, पूरे बॉडी की हमने ऐसी की तैसी मार दी। हम इतने ज्यादा अंदर कॉन्फिडेंट हो गए हैं खुद की नजरों में ही कि हम अपने चेहरे को शीशे में नहीं देख सकते, क्योंकि हम देखते हैं तो हमें खुद के लिए बुरा लगता है। अब तुम्हें ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आएंगे? तुम खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और ये गवाही देते हो कि लोग मेरे को भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग मेरे को अच्छा नहीं समझते। अरे भाई, तुम खुद की नज़रों में तो कॉन्फिडेंट फील करो, अपने आप को हताश निराश क्यों बनाते हो? तुम सच बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता कि जब तुम अपने क्रश को देखते हो तो तुम ये फील कर रहे होते हो कि छोड़ ना यार, कौन बात करेगा, मैं तो दिखने में अच्छा हूँ ही नहीं? क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आप अपने फ्रेंड को देखकर ये कह रही होती हैं कि यार काश मैं भी इसकी तरह ब्यूटी फुल होती, इस पे तो इतने लोग मरते हैं, मेरे पे भी मर रहे होते? हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को नीचा दिखाते हैं और अपने आप की कमी बनाकर रखे हुए हैं। मेरी शिकायत आपसे है, लोगों से नहीं है। हम अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर एक कमी ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, जबकि जो कमी होती है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। चलो एक पल के लिए मैंने मान भी लिया कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो क्योंकि आप दिखने में अच्छे नहीं हो, तो आप उस चीज के लिए इनसिक्योर फील क्यों नहीं कर रहे होते जो कि बाकी चीजें जिनको सच में सही किया जा सकता है? अगर तुम गोरे नहीं हो तो मेरा नहीं मानना है कि तुम कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो उससे तुम गोरे हो जाओगे। तुम छोटी हाइट के हो तो तुम कितने ही प्रोटीन पाउडर्स और जो जो तमाम सप्लीमेंट्स आता है उसको खा के तुम हाइट तुम्हारी लंबी हो जाएगी? नहीं होता। कुछ चीजों का इलाज होता है, उसी कुछ चीज का इलाज करवाना चाहिए। पिंपल्स हैं वो सही हो जाएंगे, कोई मार्क्स हैं शायद वो भी सर्जरी से सही हो जाते हैं। तो बहुत चीजें हैं जिनको आप सही कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जिनको आप सही नहीं कर सकते उस पर भी तुम छेड़खानी कर रहे होते हो, उसके लिए भी तुम हताश हो रहे होते हो। लेकिन दूसरी और वो चीजें जिसको तुम सच में 100% सही कर सकते हो लेकिन तुम उसको सही नहीं करते, उसके ऊपर तुम ध्यान ही नहीं देते। तुमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर कभी ध्यान दिया? तुमने कभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया? तुम इस चीज के लिए सिक्योर क्यों नहीं फील करते भाई कि वो लड़का टॉप मार रहा है, मैं क्यों नहीं मार रहा? वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, वो उसके पास इतनी नॉलेज है, मेरे पास इतनी अच्छी नॉलेज क्यों नहीं है? वो इस चीज में एक्सेल कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? नहीं, हम इस चीज में बिल्कुल इनसिक्योर फील नहीं करते। इनसिक्योर हम फील करते हैं जब हमें दूसरों को दोष देना होता है कि भगवान ने ऐसा किया है, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया है, जिसमें हम अपने आप की कोई गलती ना निकाल सके उसी में हम अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं हताश हूं, निराश हूं। जिसमें हमारी गलती होती है उसमें कौन किसी को कोसता है भाई? तो मुझे नहीं परवाह, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम काले हो, छोटे हो, हाइट छोटी है, मार्क्स है, जो भी चीज तुम्हारे अंदर है, इनसिक्योर फील करो, लाख करो, रो अपने ऊपर। लेकिन मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहां पर तुम्हें सच में इनसिक्योर फील करना चाहिए वहां पर क्यों नहीं करते? क्यों अपने आप को और बेटर बनाने की तुम कोशिश नहीं करते? माना कि शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत सारे आपको डिफिकल्टीज आएंगी, हो सकता है आपको इंटरव्यू में फील हो कि यार काश मैं अच्छा दिखता तो मैं ये कर जाता, हो सकता है जब आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं अपने क्रश के सामने, तो आपको फील हो मैं अगर और अच्छा दिखती, मैं अच्छा और अगर हैंडसम होता, स्मार्ट होता तो शायद यहाँ कर देता, लोग मेरे और अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और अच्छे से लोग मुझको ट्रीट करते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं भाई जो दिखने में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन लाइफ में ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते इतनी छोटी सी उम्र में। मेरे एज के भाई 22-23 के बंदे कहां से कहां पहुंचे पड़े हैं। और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दिखने में बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने घंटा जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा। लॉन्ग टर्म में सच बता रहा हूं, लुक्स का घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम काले हो, छोटे हो, गोरे हो, तुम्हारे बाल उड़ गए, तुम्हारे बाल व्हाइट हो गए, तुम्हारी बीयर्ड ढंग से नहीं आती, कुछ भी भाई, मतलब बीयर्ड ढंग से नहीं आ रही उसके लिए भी अब तो प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उस्तरा बुस्तरा और क्या भाई साहब, क्या मजाक कर रखे हैं। और सिंपल सा फंडा है, शॉर्ट टर्म की भी बात की जाए, जो लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो तुम्हारे इसलिए करीब आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे चेहरे को पसंद किया, तुम चाहते हो ऐसे लोगों को अपने करीब लाना। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाती है तुम्हारे चेहरे को देख के, तो क्या तुम सच में चाहते हो एक ऐसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के चेहरे देखती है, जो अंदर से लोगों को देखती ही नहीं है? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? अगर चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वो लड़की अगर आज आपके पास आ रही
रही है तो आपको छोड़ भी सकती है किसी और के लिए, क्योंकि हो सकता है उसका चेहरा आपसे ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा निखार वाला हो, ज्यादा त्वचा में सौंदर्य हो सकता है ना भाई। तो ऐसे लोगों को तुम इम्प्रेस करके करोगे भी क्या? लोगों को इम्प्रेस करना है अपने टैलेंट से करो, अपने नॉलेज से करो, अपनी किसी खूबी से करो। नहीं नहीं नहीं, उसको क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, उसके लिए तो टाइम देना पड़ता है। लेकिन गोरा नहीं हूं इसके लिए कोसने में क्या जाता है, रोने में क्या जाता है? अपने लिए रो लूंगा, अपने माँ बाप को कोस दूंगा, अपने घर वालों को कोसूंगा, भगवान को कोसूंगा, क्योंकि इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, भगवान ने ही ऐसा किया है। लेकिन जिसमें तुम कर सकते हो भैया, उसमें तो तुम कुछ करके दिखाओ, जो तुम कर सकते हो उसको करके दिखाओ। बाकी तुम काले हो, छोटे हो, मोटे हो, ऐसे हो, वैसे हो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, दुनिया देखती है आपकी सक्सेस। दुनिया में सक्सेस होके दिखाओ भाई, अच्छे से अच्छे लोग, खूबसूरत से खूबसूरत लोग तुम्हारे कदमों में होंगे। और सीधी सी बात है भाई, अगर मैं दिखने में और अच्छा होता, अगर मैं दिखने में अच्छा होता तो क्या तुम मेरी बातों को और अच्छे से समझ रहे होते? या तुम अगर दिखने में और खराब होते तो क्या तुम मेरी बातों को इतना नहीं समझ पाते? या तुम्हें समझने में कोई डिफिकल्टी होती, कुछ दिक्कत आती? नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और जो तुम समझ रहे हो, उसमें कहाँ रोल है लुक्स का? कहीं रोल नहीं है भाई। जो चीज़ सीखने की होती है उसमें कोई नहीं देखता, कोई नॉलेज को देते वक्त ये नहीं देख रहा होता, कोई नॉलेज को लेते वक्त ये नहीं देख रहा होता कि तुम कितने अच्छे हो या मैं कितना अच्छा हूँ। टीचर का काम पढ़ाने का होता है। स्टूडेंट अब ये बोलते रह जाए कि मैं दिखने में अच्छा हूँ नहीं हूँ इसलिए मैं नॉलेज नहीं ले पा रहा, तो ये उसकी गलती है। नॉलेज लो, कुछ सीखो, जिंदगी में आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, सक्सेसफुल हो जाओ। भाड़ में गई चीजें, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिखने में कैसे हो। रिक्वेस्ट एक है, वीडियो को लाइक नहीं करना मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना चैनल को वो भी मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज, वो भी उन सभी लोगों के साथ जिनको लगता है कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, क्योंकि उनको ये शेयर करना बहुत जरूरी है। बाकी लाइक अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। ब्यूटी मैटर करती है और हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। जब भी हम किसी सुंदर चेहरे को देखते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें उस चेहरे को देखकर खुशी मिलती है और हमें उसे देखते रहने का मन करता है। फिजिकल ब्यूटी एक इंसान की हेल्थ और उसके जीन्स की क्वालिटी को दर्शाती है कि जस्ट बिकॉज एक इंसान का फेस सिमेट्रिकल है या उसके फेस पर ज्यादा दाग धब्बे नहीं है तो उसका मतलब उसकी बॉडी किसी भी तरह के डिजीज या इन्फेक्शन को फाइट करने के केपेबल है और उसके हॉर्मोन्स भी सही बैलेंस में है। फिजिकल ब्यूटी को मैं एक सीढ़ी की तरह देखता हूँ जो शुरू तो हमारी मंडेन रोजमर्रा की दुनिया में होती है, लेकिन उसका ऊपरी छोर एक हायर फॉर्म ऑफ ब्यूटी के पास होता है। ऐसे इंसान की सुंदरता को निहारते निहारते ही हम उनमें गुम हो जाते हैं और फिजिकल रियलिटी से टच खोकर हम पहुंच जाते हैं उस दुनिया में जहां प्यार का राज होता है। यही रीजन है कि क्यों इतने सारे गानों या कहावतों में सुंदरता को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है, जैसे भगवान ने कितनी मेहनत करके इस इंसान को बनाया या फिर कैसे एक इंसान का चेहरा भगवान की याद दिलाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि उन लोगों का क्या जो नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं पैदा हुए? क्या वो हमें एक हायर पॉसिबिलिटी या फिर लव की याद नहीं दिला सकते, या क्या वो किसी तारीफ के लायक नहीं है? यहाँ पर ये समझो कि हमारी फिजिकल ब्यूटी के ज्यादातर एस्पेक्ट्स हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जहाँ हम एक हद तक अच्छी डाइट लेकर और एक्सरसाइज करके अपनी स्किन को ज्यादा हेल्दियर लुक दे सकते हैं, चेहरे की केयर करके उस पर से दाग धब्बों को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी स्किन का कलर, हमारे लिप्स का साइज या नाक की शेप बदल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम प्लास्टिक सर्जरी या एक्सेसिव मेकअप की मदद लें तब भी हम अपनी इनसिक्योरिटीज को जड़ों से खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि हम बस उन्हें एक नकाब पहना रहे होते हैं। इसलिए शुरुआत होती है खुद की टोटल एक्सेप्टेंस से, जिसमें इंक्लूडेड होती हैं आपकी सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। जिस हद तक हम अपनी वीकनेसेस और कमियों पर काम करके खुद को हर वे में इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन जिन वीकनेसेस को हम चेंज नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट करने से हम उन्हें ही फ्यूल की तरह यूज करने लग जाते हैं। जबकि अगर आप अपनी कमियों को रिजेक्ट कर देते हो तो आप खुद की खुशी हमेशा ही दूसरों में ढूंढते रहते हो कि वो आपको अप्रूव कर दें, वो आपको एक्सेप्ट कर लें, या फिर वो आपको प्यार दे दें जो आपको खुद को देना चाहिए। खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने का ये फर्स्ट स्टेप आपको उन लोगों से एक काफी बेहतर और हेल्दियर पोजीशन पर रखेगा जो खुद को जीरो मानते हैं और वो दूसरे लोगों जैसा बनना चाहते हैं। खुद को एक्सेप्ट करना ब्यूटी और अग्लीनेस के कंटेक्स्ट में काफी अजीब और एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन जैसा साउंड करता है, लेकिन अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो यहाँ पर भी वही मैसेज दिया जा रहा होता है
जो हम अपने इस चैनल पर रेगुलरली डिस्कस करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी के किसी भी हिस्से को रिजेक्ट मत करो, क्योंकि ऐसे तो आपका हर रिजेक्टेड पार्ट आपको ही अनकॉन्शियसली कंट्रोल करने लगेगा और आप अपने ही मिसिंग हिस्सों को दूसरे लोगों में ढूंढते रहोगे। यही प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो खुद के अंदर मौजूद ब्यूटी के बारे में अनअवेयर होते हैं और उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंडली, जिस तरह से हमने इस एपिसोड के शुरुआत में बात करी थी कि ब्यूटी एक सीढ़ी की तरह होती है जो कि एक हायर रियलिटी से नीचे आ रही होती है रोजमर्रा की दुनिया में, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी स्पिरिचुअल प्लेन पर ही खत्म हो जाती है और वो नीचे फिजिकल रियलिटी तक नहीं आती, तो उसका मतलब आपका काम ये है कि आप खुद उस सीढ़ी को बिल्ड करो जो आपको भी एक ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस के पास पहुंचा पाए और आपसे मिलने वाले लोगों को भी। और ये काम पूरा होता है अपने खुद के अंदर मौजूद ब्यूटी के एक कभी ना खत्म होने वाले सोर्स के टच में आने से, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल ब्यूटी बस फिजिकल बॉडी से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये थिंकिंग गलत है। लिटरली हर तरह की ब्यूटी डिवाइन रियलिटी को टच करती है, चाहे वो इनर ब्यूटी हो या फिर आउटर। अगर हम इतने लकी नहीं है कि हमें आउटर ब्यूटी मिली हो, तो उस केस में हमें सीधा इस ब्यूटी के सोर्स के पास जाना होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है दुनिया में असली और सबसे गहरी तरह की ब्यूटी लाने की। और मजे की बात तो ये है कि ये ब्यूटी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होती है। ये वो पॉइंट होता है जिसमें आप में ब्यूटी नहीं बल्कि आप खुद ब्यूटी बन जाते हो। अपने सेकंड चैनल द स्कूल ऑफ विजडम में भी अपनी वीडियोस व्हाई ब्यूटी मैटर्स और व्हाई न्यूडिटी इज ऑफेंसिव में भी हमने यही बातें करी हैं कि एक लोअर फॉर्म ऑफ ब्यूटी वो होती है जिसमें हमारी नजर बस एक इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर होती है, लेकिन जब एक इंसान अपनी ब्यूटी अपनी डेप्थ में कैप्चर करके बैठा होता है, तब हम उसको एक इंडिविजुअल क्रिएशन की तरह देख रहे होते हैं और हमारी नजर उस इंसान की एम्बॉडीमेंट पर होती है कि वो इंसान इंसान होने का रोल कितने अच्छे से निभा रहा है, बजाय बस अपनी सेक्सुअल फिटनेस को एडवर्टाइज करने के। ये अंडरस्टैंडिंग हमें ये समझाती है कि हमें अपने दुनिया को परसीव करने के दायरे को एक्सपेंड करना है। हमें अपने आप को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करके अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट नहीं करना, बल्कि हमें कॉन्शियसनेस के एक हायर लेवल पर जाना है। वहां मौजूद है ब्यूटी का वो सोर्स जिसके आगे हर तरह की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है, और आप वहां तक सिर्फ तभी पहुंच पाओगे जब आपके माइंडसेट में ये शिफ्ट आएगा कि आप अपनी बॉडी या अपनी स्किन नहीं बल्कि आप जो हो वो इन चीजों के भी परे है। यही रीजन है कि क्यों जो इंसान बाहर से तो बहुत सुंदर होता है लेकिन वो अपनी सुंदरता पर घमंड करता है, लोगों से बदतमीजी से बात करता है और खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी मुश्किल बना देता है, हमें वो इंसान सुंदर होने के बावजूद इनकम्प्लीट और इनसिक्योर लगता है, क्योंकि वो अपने अंदर मौजूद ब्यूटी के सोर्स से बहुत दूर होता है और एक शैलो जिंदगी जी रहा होता है। उनकी सोच बस मास से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनने के लिए खुद को एक्सेप्ट करो। अपने आप को अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करने के बजाय अपने अंदर मौजूद इनफाइनाइट ब्यूटी और लव के सोर्स के साथ आइडेंटिफाई करो और ये देखो कि आप इस दुनिया में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। एक अच्छी जिंदगी जीने और खुद में खूबसूरती ढूंढने के लिए इन चीजों के अलावा आपको किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।